कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी भीता भय प्रद मनिंदित मंग्री पद्मम संसार सागर निमज्ज दशेस जंतु पुताय मान मभिनम्य जिनेश्वरस्य यस्य स्वयं सुर गुरुर् गरिमाम्बुराशिः स्तोत्रं सुविस्तृत मतिर्न विभुर्विधातुम् तीर्थेश्वरस्य कमठस्मै धूमकेतोस् तस्याहमेश किल संस्तवनं करिष्ये। अंतः सदैव जिन यस्य विभाव्य से त्वम् इस 16वें काव्य में जो भाव है बड़ा ही रोचक भाव है। अंतः सदैव जिन यस्य विभाव्य से त्वम् भव्यै कथं तदपि नाश यसे शरीरम् भव्यै कथं तदपि नाश यसे शरीरम् एतत् स्वरूप मथ मध्य विवर्तिनो हि यद विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावाः। अन्तः सदैव जिन यस्य विभाव्यसे त्वम् भव्यै कथं तदपि नाश यसे शरीरम् भव्यै कथं तदपि नाश यसे शरीरम् एतत् स्वरूपमथ मध्य विवर्तिनो हि यद् विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावाः। यद् विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावा इस 16वें काव्य में भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य कुमुद चंद्र महाराज कह रहे हैं, जिन भगवान का संबोधन जिन्होंने अपने आत्म शत्रुओं को जीत लिया है, भव्यै यस्य अंतः त्वम् सदैव विभाव्य से, जिन भव्य जीवों के द्वारा जिस शरीर के भीतर आप हमेशा ध्याए जाते हो, तत् शरीरम अपि कथम नाश्य से, आप उस शरीर को ही कैसे नष्ट कर देते हो, क्यों नष्ट कर देते हो। अथवा एतत् स्वरूपम यत् मध्य विवर्तना, ये स्वभाव ही है जो मध्यस्थता कराते हैं उनको मध्य विवर्तना कहते हैं। महानुभावा विग्रहम प्रशमयंती, ऐसे महानुभाव जो महान भावों से भरे हुए हैं, महापुरुष हैं, वो विग्रह को नष्ट कर देते हैं, विग्रह को शांत कर देते हैं। यहां विग्रह शब्द में श्लेष अलंकार है। विग्रह का अर्थ झगड़ा भी होता है, एक विग्रह का अर्थ शरीर भी होता है, और एक विग्रह का अर्थ मोड़ा भी होता है। तो उसमें झगड़ा जब दो लोगों के बीच में है, तो जो महापुरुष होते हैं, जो मध्यस्थता करते हैं, उनके झगड़े को शांत कर देते हैं। और
साथ ही साथ में झगड़े की जड़ संसार में जीव के लिए कर्म है और कर्म में से ही शरीर का निर्माण हुआ है, तो इस प्रकार से उस शरीर को या नौकर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म सबको ही नष्ट कर देते हैं। तो यहां भगवान के लिए जो कहा गया है कि आपने मध्यस्थता करके जो झगड़े की जड़ है उसको ही समाप्त कर दिया, तो यहां एक लौकिक में एक बात चलती है कि कोई व्यक्ति जहां पर ध्यान कर रहा है उस ध्यान करने वाले शरीर को ही नष्ट कर दिया। तो जैसे कहते हैं कि जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया, वो अच्छा नहीं माना जाता। आप लोगों ने पद्म पुराण का वो प्रसंग सुना होगा जब चंद्र नखा, जिसको कि लौकिक में शूर्पणखा कहते हैं, उसके दो पुत्र थे, एक शंभूक और एक सुंद, और उसका पति खरदूषण था और उसके मामा रावण के पास में चंद्रहास खड़ग थी जो उसने विद्या के माध्यम से सिद्ध की थी, और शंभूक भी सूर्यहास खड़ग को सिद्ध करने के लिए एक बांस के बीड़े में 12 बरस तक बैठ करके उस विद्या को सिद्ध करने की साधना कर रहा था। उसकी मां रोज भोजन लेकर के आती थी और 12 बरस बीतने के बाद में वो सूर्यहास खड़ग वहां पर प्रकट हो गई। मात्र 7 दिन की उसकी साधना बची थी और उसके बाद में वो उसको हाथ में उपलब्ध होने वाली थी। और इसी बीच में उसी जगह पर दंडक वन में वर्षा योग पूर्ण करने के बाद में श्री राम लक्ष्मण और सीता वहां पर पहुंच गए और उस दिव्य खड़क की जो सुगंध थी उसको बहुत दूर तक जो फैल रही थी उसको सूंघते हुए लक्ष्मण उसके पास में पहुंच गए और उन्होंने उस दिव्य खड़क को देख करके और जा करके उसको उठा करके इसमें कितना तेज है, कितनी तीक्ष्ण है, उसकी परीक्षा करने के लिए उसी बांस के बीड़े पर उसको चला दिया। और उनको पता ही नहीं, और जो बीच में बैठ करके जिसने उस सूर्यहास खड़क को विद्या के माध्यम से प्राप्त किया था और वो स्वयं वहां पर मरण को प्राप्त हो गया। जब उसकी मां वहां पर आई और उसने उस बीड़े को कटे हुए देखा तो वहां पर अपने पुत्र की वो लौकिक दृष्टि से कि जिस जगह पर बैठ करके ध्यान किया उसी को वहां पर परीक्षण करने के लिए नष्ट कर दिया, ये काम शंभूक ने अच्छा नहीं किया। वो वहां पर इस प्रकार से सोच रही थी और जब उसकी दृष्टि कटे हुए सिर पर जाती है और मां के सामने पुत्र का जहां पर धड़ अलग है और सिर अलग है और ऐसा आघात होता है कि वो बेहोश हो जाती है। आचार्य रविशरण महाराज कह रहे हैं कि उस मूर्छा ने भी उसके ऊपर उपकार किया, नहीं तो उस दुख को वो सहन नहीं कर पाती जब उसकी बेहोशी दूर होती है। और उस समय में वो रुदन करती है, बोलती है उस समय में कि जरूर मैंने कभी किसी के बच्चे को उसकी मां से दूर किया होगा, इसलिए आज मेरा बच्चा मरण को प्राप्त हो गया। और फिर धीरे 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 करते करते फिर उसके भाव कि मेरे बच्चे ने तो 12 वर्ष तक यहां पर तपस्या की, कभी किसी का कोई विरोध नहीं किया, किसी को मारा नहीं, लेकिन मेरे निरपराध पुत्र को क्यों किसी ने मारा। और जो परिणाम पहले वहां पर अपने पूर्व कर्म का चिंतन कर रही थी लेकिन बाद में ऐसे हो गए कि जिसने भी मारा है मैं उससे प्रतिशोध लूंगी, उससे बदला लूंगी। और वो निकलती है, देखती है कोई जो बदक होगा वो पास में ही होगा, और वहां से जब आगे बढ़ती है खोजते हुए तो वहां पर श्री राम लक्ष्मण की सुंदरता को देख करके पुत्र के प्रतिशोध के, पुत्र के बदक के प्रतिशोध के भाव तिरोहित हो जाते हैं और उनकी सुंदरता को देख करके मन में उनके प्रति तीव्र राग उत्पन्न हो जाता है। संसार की विचित्रता का भी इसके माध्यम से दिग्दर्शन होता है, लेकिन जो प्रासंगिक अपने लिए है वो इतना ही है कि वहां पर मां कहती है कि जिस जगह बैठ करके
ध्यान किया उसको क्यों नष्ट कर दिया। तो इसी प्रकार से यहां पर कह रहे हैं कि भगवान आपका ध्यान जिस शरीर में बैठकर के योगी करते हैं आप उसको ही नष्ट कर देते हैं, तो ये ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन जब देखते हैं तो उस समय में जो महानुभाव होते हैं, महापुरुष होते हैं, मध्यस्थता करते हैं, तो विग्रह को दूर कर देते हैं। और विग्रह का अर्थ वहां पर झगड़ा भी है और साथ ही साथ में शरीर भी है। कुछ ऐसे भी मध्यस्थता करने वाले होते हैं जो मध्यस्थता करने के लिए जाते हैं लेकिन अपना फायदा देख करके वहां पर दोनों को आपस में लड़ा करके और अपना मजा उठाते हैं। संसार में ऐसे लोगों की बहुतायत है, इसलिए जहां मध्यस्थता की बात आए किसी को चुनना हो तो बहुत सोच समझ करके चयन करना चाहिए। एक बार अमेरिका का एक पेपर आता है वाशिंगटन पोस्ट, उसमें एक खबर निकली कि सद अल अरब जो ईरान और इराक के बीच की जगह है वहां पर बहुत सारा पेट्रोल डीजल आदि उपलब्ध है जमीन के नीचे। और उसमें खबर निकली है कि नासा ने सैटेलाइट के माध्यम से इसको देखा है और उस समय में दोनों वहां पर उसको प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ने लगे और अमेरिका उन दोनों के लिए हथियार, दोनों कंट्री के लिए लड़ने के लिए हथियार बेच रहा है। 10 साल तक आपस में लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी सारी संपत्ति को उसमें नष्ट कर दिया और बाद में कहा कि आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते हो कि मिलकर के इसको यहां पर खोजो और आधा आधा बांट लो। उन्होंने कहा कि अब हमारे पास में इतनी संपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि ठीक है हम करते हैं। और जब खोज की वहां पर तो कुछ नहीं मिला और उस समय में उसके एडिटर ने वहां पर एपोलॉजी क्षमा लिख दी कि भाई मशीन है सैटेलाइट, हो सकता है उससे गलती हो गई हो। तो इस प्रकार से दो देशों के बीच में लड़ाई करके और खूब हथियार बेच करके खूब अपना तो मुनाफा कमा लिया लेकिन वहां मध्यस्थता ना करा करके उनके बीच की ऐसी स्थिति निर्मित हो गई। लेकिन वो अच्छे माने जाते हैं जहां पर मध्यस्थता कराते हैं और वहां पर उनके लिए जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको दूर कर देते हैं, उनकी आपस में बातों को बढ़ा करके नहीं, उनके अच्छे बिंदुओं को सामने रख करके सामने के मन में जो भी वहां पर बुरे भाव हो रहे हैं उनका शमन कर देते हैं। वो मध्यस्थता कराने वाले श्रेष्ठ माने जाते हैं। एक बार एक जगह दो भाइयों के बीच में बंटवारे की बात थी और बंटवारा होते होते एक अंगूठी पर रुक गया और उस अंगूठी की बात में सब कहते कि ये हमारी पैतृक निशानी है, इसको हम लेंगे हम लेंगे। और जो मध्यस्थता कराने वाले महापुरुष थे उन्होंने दोनों को अलग अलग बात की और वो बंटवारा अच्छे से संपन्न हो गया और कहा था दोनों से कि इस अंगूठी को कभी भी पहन करके नहीं आना। थोड़े साल बीते और एक बार दिवाली के समय दोनों एक साथ, दोनों के मन में एक से साथ भाव प्रकट हुए, दोनों भाई उस अंगूठी को पहन करके आपस में मिल गए और देखा अरे तुम्हारे हाथ में भी हमारे हाथ में भी एक अंगूठी दो दो हाथों में कैसे हो सकती है। तब वो राज खुला कि जिन्होंने मध्यस्थता की थी उन्होंने अपनी तरफ से अंगूठी बनवा करके, लेकिन असली तो असली है इसलिए उन्होंने कह दिया था कि पहनना नहीं क्योंकि पहनोगे तो समझ में जाएगी कि असली कौन सी है। इस प्रकार से उन्होंने वहां पर मध्यस्थता का कार्य किया था। तो जो मध्यस्थता कराते हैं महानुभाव उनका इस प्रकार का कार्य रहता है कि झगड़े को दूर कर देते हैं। लेकिन ये जहां पर पंचायती काम होता है, पंचों के माध्यम से कार्य होता है, वहां पर गवाहों के अनुसार कार्य करना पड़ता है और उस समय में कई कई बार ऐसे भी निर्णय ले लिए जाते हैं जिनका कोई संबंध नहीं रहता। भले ही वो कहें कि हम तो पंच परमेश्वर होते हैं, मुंशी प्रेमचंद की कहानी भी पंच परमेश्वर करके है जिसमें कि परमेश्वर में पंच में परमेश्वर विद्यमान हो जाता है, तो ऐसी भी स्थितियां बनती हैं। लेकिन बर्णी जी ने अपनी मेरी जीवन गाथा में
कुछ ऐसी भी घटनाएं लिखी हैं कि वहां पर एक जगह ऐसा हुआ कि एक जैन वैद्य था और एक दूसरी जाति का वैद्य था, उसके पास में एक घोड़ी थी और इनको दवाई के लिए उसके दूध की आवश्यकता पड़ी और वो उससे दूध लेकर के आ गए। और ऐसा हुआ 15-16 दिन के बाद में वो घोड़ी खत्म हो गई, तो उसने शिकायत कर दी कि ये कुछ करके आ गए जिसके कारण में हमारी घोड़ी समाप्त हो गई। जबकि वो चढ़ता था, जलता था, क्योंकि जैन वैद्य पैसे नहीं लेता था और इसलिए उसने वहां पर ईर्ष्या के कारण में उसका नाम लगा दिया। लेकिन जब पंचों के पास में बात आई तो उन्होंने कहा, आपका तो अपराध स्पष्ट है कि आपने कुछ कर दिया है, जबकि क्या कर दिया है कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन ऐसी मान्यताएं बहुत सारी चलती हैं और उस समय में उनके लिए मंदिर बंद कर दिया आदि इस प्रकार की स्थितियां हुई। और बाद में इनको आप घोड़ी दो, पंचों के लिए भोजन दो, तीर्थयात्रा करो, इतना पैसा दो, तब तुम्हारा मंदिर पुनः प्रारंभ होगा। तो ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। लेकिन यहां पर कहने का अर्थ यही है कि जहां मध्यस्थता कराने वाले यदि सही तरह से निर्णय नहीं लेते हैं तो उस समय में ऐसी विसंगतियां भी बन जाती हैं। एक जगह पर घोड़ी की, वहां पर दो घोड़े थे, एक के पास में मजबूत घोड़ा था, एक के पास में कमजोर घोड़ा था, और घोड़ों में भी आपस में लड़ाई होती है। जो मजबूत घोड़ा था उसने कमजोर घोड़े को मार दिया और उस समय में उसने शिकायत कर दी, तो उस समय में दोनों के लिए वहां पर दंड दिया गया। उससे कहा कि तुमने इतना मजबूत घोड़ा क्यों रखा जिसने कि उसको मार दिया, और दूसरे से कहा कि तुमने इतना कमजोर घोड़ा क्यों रखा कि वो थोड़ी सी चोट से मर गया। और फिर दोनों को वहां पर जिस प्रकार का दंड पहले बताया था वही दिया, और बाद में उससे कहा कि जो मजबूत घोड़े वाला था वो सामने वाले के लिए एक घोड़ा दे। तो ऐसी स्थितियां बनती हैं। ऐसी स्थितियों को देख करके एक लड़की जो कि विधवा होने के बाद में अपने घर में वापस आ गई थी पिता के घर में, और पिता वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए थे, लेकिन सरपंच बनते बनते इतने व्यस्त हो गए थे कि वहां पर उनके लिए धर्म के लिए क्या खाने पीने के लिए भी समय कई कई बार नहीं मिलता था। बेटी ने समझाया कि अब वृद्धावस्था है, धर्म के कार्य करना चाहिए, लेकिन वो वहां पर तैयार नहीं होते। और वही बात कि पंच में तो परमेश्वर विद्यमान होते हैं, हमारे से कोई गलती नहीं होती। और उसने बहुत समझाया लेकिन जब वो नहीं माने तो उसने वहां पर अपनी भाभियों से लड़ने का नाटक किया। पिता ने देखा कि ये अपनी भाभियों से लड़ती है और एक दिन बोलने लगे कि क्यों लड़ती हो, तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने कहा कि जब मैं अपने मायके ससुराल से आई थी तब मैं 500 तोला सोना लेकर के आई थी, आपको मैंने दिया था, वो मुझे चाहिए। पिता ने कहा, एक तोला तो तुमने ला करके दिया नहीं और तुम बोल रही हो 500 तोला, पूरी नमक की रोटी बनाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? थोड़ा बहुत नमक चल जाता है लेकिन तुम तो पूरी नमक की रोटी बना रही हो। तो उसने कहा कि मैं पंचों के पास में जाऊंगी। तो उसने कहा, हाँ जाओ पंचों के पास में। और वो पंचों के पास में उसने अपनी बात पहुंचाई और पंचों ने जब पूछा कि तुम्हारे पास क्या सबूत है, तो उसने उस समय कहा कि पिता के पास भी कोई लिख करके क्या सामग्री रखता है। और सारे पंचों ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया और कह दिया कि आपने बेटी का 500 तोला सोना लिया है, आपको देना चाहिए। और उनको वहाँ पर आज समझ में आया कि पंचों से भी गलती हो सकती है, और उन्होंने 500 तोला सोना देने के बाद में बेटी लेकर के चली गई और पिता वहाँ पर सदमे के कारण बीमार पड़ गए। और वो कन्या फिर वापस लौट करके थोड़े दिनों बाद आई और पिता से बोलने लगी कि देखो हमने कहा था। तब उस समय में उसने कहा कि मैंने झूठ बोला था, मैं क्षमा मांगती हूँ आपसे, लेकिन मैंने आपके लिए कि इस प्रकार से अपने जीवन को आखिरी समय में धर्म ध्यान से दूर करके इस कार्यों में लगना ठीक नहीं। तब उस समय में उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि बेटी तूने हमारी भले ही इसके माध्यम से लेकिन आँखें खोल दी। और उन्होंने उस समय कसम खा ली कि अब हम आज से इन जो पंचों के कार्य हैं उससे अब जो है वहाँ पर लिप्त नहीं होंगे। तो ऐसे यहाँ पर
जो इसकी बात चल रही है कि जो मध्यस्थता कराने वाले होते हैं वो यदि कुशल होते हैं तो उसमें वहाँ पर सब ठीक हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ में कि इनके पास में जाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? घर घर की जो लड़ाई होती है वो जब बाहर के लोगों के पास में जाती है तो उसके माध्यम से कितनी क्षति हो जाती है। आप लोगों को सुनकर के आश्चर्य होगा, दिल्ली के अकेले कोर्ट में 3 लाख माता पिता ने अपने बच्चों के ऊपर कि वो हमें हमने जीवन जीने के लिए लगा दिया है वो हमारे लिए खर्च नहीं देते। और साथ ही साथ में अभी कुछ दिनों पहले एक आया था स्टेटमेंट कि जज ने बोला कि बेटी हमेशा माता पिता की होती है और बेटे केवल विवाह तक। सोच सकते हो आप, ये स्टेटमेंट जज को बोलना पड़ रहा है, कैसी स्थितियां निर्मित होती जा रही हैं। एक जगह दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई हुई, महीने भर तक एक लिस्ट नहीं बन पाई जिस पर दोनों तैयार हो जाएं। एक कहता ये माँ का सोने का हार माँ ने अपनी होने वाली बहू के लिए दिया था, तू तो कभी माँ को मानता ही नहीं था इसलिए इस पर तो मेरा अधिकार है। वो कहता है कि ऊपर का कमरा आपको कैसे दे दूं, मैं नीचे घुट करके मरूं क्या, दुकान जो है मैं ही चलाता आया हूं तो ये मेरी है। खेती की लिए बात आती है तो कहती पिता ने तो वो मेरे नाम की थी। इस प्रकार से आपस में इतनी लड़ाई कि कोई निर्णय नहीं हुआ। महीनों के बाद में पंचों के पास में बात पहुंची, उन्होंने कहा इसका निर्णय हम जो करेंगे मंजूर है, आपके लिए नहीं हो पा रहा तो ठीक है आप करो। बड़ी हवेली के ऊपर 5 ताले लग गए, 5 पंचों के, और दोनों भाइयों ने भी अपने 1 ताले लगा दिए। 7 ताले लग गए कि कल इसका निर्णय होगा। लेकिन समाज के कुछ अंग ऐसे भी हैं जो द्वार से तो अंदर जाते नहीं हैं, समझ गए होगे आप। ऐसे चोरों ने रात में घुस करके उस मकान की सारी संपत्ति लेकर के वो उड़ गए। दूसरे दिन जब खोला तो वहां पर दीवालों के अलावा कुछ नहीं बचा, सब सामग्री संपत्ति वो लेकर के जा चुके थे। अब वहां पर जब देखा ऐसी स्थिति हो गई तो उन्होंने कहा कि अब जो कमरे हैं उनको ही बांट देते हैं। तो बड़े भाई ने कहा कि ये तो छोटे को दे दो, मैं तो शहर चला जाऊंगा और वहां पर अपना कुछ व्यवसाय कर लूंगा। उस बात को सुनकर के छोटे को लगा कि बड़े भाई जा रहे हैं, तो वो रोते रोते बोला कि नहीं, दुकान आप ही संभालो, आप ही चलाना। और जब उसके आंखों में आंसू आ गए तो बड़े भाई का भी वहां पर पहले जब छोड़ करके जाने के भाव हो रहे थे, और दोनों मिलकर के गले वहां पर रोने लगे। जो लोग देखने वाले थे कहने लगे कि यदि ये भरत मिलाप का नाटक जो कर रहे हैं यदि पहले कर लेते तो सारी संपत्ति तो नहीं लुटती। लेकिन ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर के यदि हम बाहर जाते हैं तो उससे कितना हर्जा जो है जीवन में हो जाता है, ये भी हम इस काव्य के माध्यम से प्रेरणा ले सकते हैं। तो इस काव्य में जिसमें भगवान के लिए कहा है कि भगवान आप यदि माध्यस्थता करते हैं तो उसके माध्यम से आप विग्रह को यानी शरीर को ही नष्ट कर देते हैं, ये आश्चर्य वाली बात लगती है, लेकिन वास्तव में जो मूल कारण है कर्म उसको ही भगवान नष्ट कर देते हैं। इसलिए जिसके शरीर में आपका ध्यान किया जाता है आप उस शरीर को नष्ट कर देते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। अंतः सदैव जिन यस्य विभाव्यसे त्वम्। भव्यै कथं तदपि नाशयसे शरीरम्। एतत् स्वरूपमथ माध्य विवर्तिनो हि। यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावा। जब दंगल आदि होते हैं, जहाँ पर कुश्ती आदि होती है, वहाँ पर जो रेफरी एम्पायर आदि होते हैं दोनों के बीच में कितनी लड़ाई हो जाती है। कई कई बार तो एक दूसरे के लिए वहाँ पर गाली भी देने लगते हैं, मारने भी लगते हैं, लेकिन वो उनको बीच में मध्यस्थता करा करके उनके बीच का
जो मलिनता उत्पन्न हो गई उसको दूर करने के लिए दोनों के हाथ मिलवाता है, और कभी कभी तो ट्रॉफी आदि भी जो हार गया उसके हाथ से ही जीतने वाले को दिलवा देते हैं। उनके बीच में जो कलुषता उत्पन्न हो गई है उसको दूर करने का जिस प्रकार से प्रयास करते हैं, इस प्रकार से जो मध्यस्थता कराने वाले होते हैं वो वहाँ पर उनकी सार्थकता होती है। अब अपने इसके पद्यानुवाद को भी देख लेते हैं। स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला, कल्याण का है मंदिर प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला जिस देह में विराजित, ध्याते हैं जो भी जिनवर कर देते नष्ट उसको, ये स्वभाव ही मनोहर मध्यस्थ जब महाजन विग्रह क्या टिकने वाला, कल्याण का है मंदिर प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंता मणि उपमा भाति, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टा, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नभ बार।